आज बनाते हैं हरे चने के पत्तों की स्वादिष्ट सब्जी, वो भी बहुत कम सामान में और आसान तरीके से। तो चलो इसकी रेसिपी देखते हैं। कृष्ण स्नेह किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरे चने के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए इस तरह मैंने हरे चने के पत्ते की सब्जी ली है, उसे साफ करके साफ पानी से धोकर लिया है। ज़्यादा कड़क डंठल हमें नहीं लेने हैं। अब एक मिक्सी जार लेते हैं। मिक्सी जार में 8 हरी मिर्ची लेते हैं। आप चाहो तो तीखा कम ज़्यादा भी कर सकते हो आपके हिसाब से। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। सारी चीज़ों को मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। इस तरह हमने इसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 2 चम्मच तेल गरम करके लिया है। उसमें डाल देते हैं मिक्सी में पीसा हुआ मसाला और इसे तेल पर भून लेते हैं। हरे मिर्ची का मसाला हमें अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डाल देते हैं हरे चने के पत्ते। अच्छे से इसे मिलाते हैं और तेल के ऊपर इसे भी 2 मिनट भून लेते हैं। ये सब्जी बहुत ही जल्दी भून जाती है। आप देख सकते हो 2 मिनट में ही हमारी सब्जी अच्छे से भून चुकी है और सब्जी ने पानी भी छोड़ा है। ये सब्जी खुद के पानी से ही पकेगी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अब इसके ऊपर ढक्कन रखना है और इसे 4 मिनट मीडियम आंच पे पकाना है। 4 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच दरदरा पिसा हुआ मूँगफली दाने का कूट। यह भुनी हुई मूंगफली दाने का कूट है। अब इसे भी सब्जी में अच्छे से मिलाते हैं। मूंगफली दाने का कूट डालने से इस सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ता है। सब्जी में मूंगफली दाने के कूट को हमने अच्छे से मिलाया है। अब फिर से इसके ऊपर ढक्कन रखकर मीडियम आंच पे इसे 2 मिनट पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल देते हैं, सब्जी को अच्छे से मिलाते हैं। ये सब्जी बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत आसान तरीके से और कम सामान में बनती है और स्वाद में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब सब्जी को एक डिश में सर्व करते हैं। आप इसी तरीके से एक बार हरे चने के पत्तों की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे टिफ़िन पर भी लेकर जा सकते हो। आप इसे किसी भी रोटी के साथ खा सकते हो। आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।